काठगोदाम चौकी से पहले कलसिया नाले के ऊपर दो पुल बने हैं। इन पुलों से हल्द्वानी व पहाड़ आने जाने वाले यात्री आवागमन करते हैं। हल्द्वानी काठगोदाम में नए पुल का निर्माण कार्य होना था, लेकिन एक साल से ज्यादा का समय हो गया है, अभी तक नया पुल नहीं बन पाया है। हाल यह है कि बैली ब्रिज के भरोसे ही पूरा यातायात चल रहा है। यह पुल पूरे कुमाऊं को जोड़ने वाला पुल है और इस पुल को कलसिया पुल के नाम से जाना जाता है। एनएच के द्वारा एक साल पहले चार बार इस पुल के लिए टेंडर निकाले गए, लेकिन इस पुल के लिए ठेकेदार न मिलना सबसे बड़ी वजह एनएच के लिए बन गई। तब से लेकर अभी तक यह पुल का निर्माण कार्य अधर पर लटका हुआ है। फिलहाल यह अस्थायी पुल वैली ब्रिज के सहारे चल रहा है। कुमाऊं के पर्वतीय जिलों को जोड़ने के लिहाज से यह काफी अहम पुल है। दरअसल इसी मार्ग से होते हुए पर्यटक नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, कौसानी और अन्य टूरिस्ट स्पॉट पर पहुंचते हैं। जाम की वजह से स्थानीय निवासी भी खासा परेशान रहते हैं। पर्वतीय जिले अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के जिलों को यह पुल जोड़ता है और इसे कुमाऊं को जोड़ने वाला पुल भी कहते हैं। स्थानीय दुकानदार अरसत ने बताया कि वैसे तो वैली ब्रिज का समय सिर्फ 6 महीने का होता है, लेकिन कलसिया पुल पर वैली ब्रिज को लगाए एक साल से भी ज्यादा हो गया है। रोज इसी वैली ब्रिज के नट बोल्ट कसे जाते हैं और फिर यहां से वाहन गुजरते हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानी होती है। नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह का कहना है कि कई बार हमें शिकायत मिल चुकी है, जल्द ही इस पुल का निरीक्षण किया जाएगा और हल्द्वानी से पहाड़ को जोड़ने वाले पुल में क्या दिक्कत है, क्यों यह पुल अभी तक नहीं बन पाया, एनएच के अधिकारियों से इस पर बात की जाएगी और जल्द ही इस समस्या का समाधान भी किया जाएगा। सर, हम यहाँ लोकल निवासी हैं, ये दुकान है, ये वैली ब्रिज को क्या नाम है लगे हुए 1.5 साल करीब हो गया है और ये 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा वैली ब्रिज होना चाहिए और 1.5 साल से ऊपर होने को आ गया, लेकिन अभी तक नया पुल बन नहीं रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है और इससे इतनी दिक्कत हो रही है, ये इतनी आवाज़ करता है कि हम रातों को सो नहीं पाते हैं। यहाँ घर पीछे ही हमारा मकान है, रात को ऐसा लगता है कभी कभी जब गाड़ी स्पीड से जाती है, कोई डंपर वगैरह, ऐसा लगता है जैसे कोई गाड़ी आपस में टकरा गई हो और हम उठ जाते हैं बाहर आके देखते हैं तो पता चला गाड़ी गई है और समस्या जाम की। हाँ, वो जब ज़्यादा आवाज़ करने लग जाता है तो हैवी गाड़ी फिर इस वाले पुल से निकालते हैं तो उसकी वजह से जाम भी लगता है। जो हमारे बहुत सारे पुल हैं जो रोड्स में बने हुए हैं, जिनके विषय में लगातार शिकायतें सामने आती रहती हैं या समस्याएं सामने आती रहती हैं, जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, उनके संबंध में विभागीय अधिकारियों को स्वयं निरीक्षण करके उनका समाधान निकालने के लिए निर्देशित किया गया। उत्तराखंड के हल्द्वानी से लोकल 18 के लिए पवन सिंह कुंवर की रिपोर्ट।